बिहार फ्लड 2020, ये टॉपिक हर साल सेम रहता है, बस चेंज जो होता है वो होता है नंबर ऑफ ईयर 2017, 18, 19 और अब 2020। हर साल मानसून के टाइम पर बिहार में फ्लड आता ही है। हमें कैसे पता चलता है? न्यूज़ चैनल्स के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू, जो भी सोर्स हम यूज़ करते हैं। लेकिन इस साल जो है सिचुएशन थोड़ी सी अलग है ड्यू टू द कोविड-19। और अगर मैं कहूँ कि राजस्थान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से जितनी कवरेज इस टॉपिक को मिलनी चाहिए थी इंडियन मीडिया में वो नहीं मिल पा रही है, तो ये गलत नहीं होगा। इस बार बाढ़ की जो इंटेंसिटी है वो एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर थोड़ी सी ज़्यादा है। और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 28 जुलाई को, तब जो मरने का आंकड़ा है बिहार में ड्यू टू द फ्लड वो 100 को पार कर चुका है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार में फ्लड आते क्यों हैं, कौन कौन सी नदियां हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं बिहार में फ्लड के लिए, और साथ में ही कंपेयर करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर डाटा को। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को मेरे साथ। मेरा नाम है विपुल सैनी। ये एनडीटीवी की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर बिहार फ्लड से रिलेटेड काफ़ी सारी शॉकिंग न्यूज़ आपको डेली देखने को मिल जाएगी। 24th of July, 25th of July, 26th of July, 27th of July। सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन कौन सी रिवर है जिनकी वजह से बिहार में फ्लड जैसी सिचुएशन बन जाती है। तो देखो, बिहार को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार। नॉर्थ बिहार में जो रिवर रेस्पॉन्सिबल है फ्लडिंग के लिए वो टोटल पांच है, जिनमें से एक है महानंदा रिवर, कोसी रिवर, बागमती रिवर और गंडक रिवर। गंडक रिवर दो हैं, एक गंडक हो गई, एक हो गई बूढ़ी गंडक। ठीक है, इन सब का जो ओरिजिनेशन पॉइंट है वो नेपाल में है। ओके, अब हम बात करें साउथ बिहार की, तो साउथ बिहार में तीन ऐसी रिवर हैं जो कि फ्लड के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। सोन रिवर हो गई, पुनपुन रिवर हो गई और पालघो रिवर हो गई। ये जो मैप है ये बिहार स्टेट का मैप है, इसके अंदर हर डिस्ट्रिक्ट को अलग कलर से शो कर रखा है। अगर हम मार्किंग करें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ की, तो अभी जो सिचुएशन खराब है बिहार में फ्लड की वजह से वो सबसे ज्यादा नॉर्थ रीजन में खराब है। देखो, ये जो अप्रोक्सीमेटली 11 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के, इनमें जो अभी सिचुएशन है वो बहुत खराब है। और अभी तक जो डाटा आया है वो है कि मोर देन 10 मिलियन पीपल इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट हुए हैं सिर्फ नॉर्थ बिहार के अंदर। तो जिन डिस्ट्रिक्ट्स में कंडीशन सबसे ज्यादा खराब है उनमें है चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज। तो ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें मोर देन 80% एरिया में अभी फ्लडिंग आ रखी है। तो समझते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ रिवर्स कि इन डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन सी रिवर पास होती है और किन की वजह से फ्लडिंग होती है। देखो, ये जो मैप है ये मैप शो कर रहा है जितनी भी रिवर रेस्पॉन्सिबल है फ्लडिंग के लिए उसको। देखो, जितनी भी रिवर है यहाँ पे उन सब रिवर का जो ओरिजिन है वो आपको नेपाल में मिलेगा। ये जो बाउंड्री है ये बाउंड्री है बिहार की। जितनी भी रिवर है सबका जो ओरिजिन है वो नेपाल के अंदर है। देखो, ये जो रिवर है ये है गंडक रिवर और ये है बूढ़ी गंडक रिवर। ये दो रिवर हो गई जो कि मेजर रिवर है रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लड। उसके बाद जो तीसरी बड़ी रिवर है जो कि रेस्पॉन्सिबल है फ्लडिंग के लिए वो है कोसी। उसके बाद कमला हो गई, बागमती हो गई और महानंदा हो गई। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 मेजर रिवर्स हैं जो कि अगर हम बात करें नॉर्थ बिहार में, नॉर्थ बिहार में रेस्पॉन्सिबल है फ्लडिंग के लिए। और साउथ बिहार में सोन रिवर, पुनपुन रिवर और पालघो रिवर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रिवर बेसिन की। बेसिन बेसिकली वो एरिया होता है जिसके अंदर जो भी रिवर है उसका वाटर एग्जिस्ट करता है, मतलब वो वाटर जिस एरिया तक भी जाएगा उस एरिया को हम बेसिन बोलते हैं। अगर हम बात करें कोसी बेसिन की, तो देखो ये टोटल एरिया है जो कि कोसी बेसिन के अंदर आता है। इसका मतलब है कि देखो, ये कोसी रिवर है, इस रिवर का पानी जहां तक भी जाएगा उस एरिया को हम कंसिडर करेंगे एज अ बेसिन। तो जितनी भी रिवर है सब में से जो सबसे बड़ा बेसिन बनाता है वो कोसी नदी बनाती है। ठीक है, ये हो गया महानंदा बेसिन, ये हो गया कमला बेसिन। ठीक है, तो ऐसे ही हर रिवर का एक बेसिन होता है, मतलब जहां तक उसके पानी की रीच होती है। इस टेबल में आपको डाटा मिलेगा कि जो भी रिवर बेसिन है उनका कैचमेंट एरिया कितना है, टोटल एरिया कितना है और उनका जो वाटर पोटेंशियल है वो कितना है। तो देखो, यहाँ पर अगर हम डिजिट में बात करें तो
ये है गंडक रिवर, ठीक है। गंडक रिवर का बेसिन है जिसका जो वाटर पोटेंशियल है वो मोर देन 47,000 है। उसके बाद ये सेकंड देखो, ये है कोसी रिवर, इसका जो वाटर पोटेंशियल है इस वो भी मोर देन 40,000 है। ऐसे ही अगर आप बात करोगे तो इसके जस्ट नीचे महानंदा रिवर है जिसका जो वाटर पोटेंशियल है वो भी मोर देन 5,000 है, ठीक है। उसके बाद सोन रिवर की बात करें तो सोन रिवर का जो वाटर पोटेंशियल है वो भी मोर देन 7,000 है। तो ये कुछ मेजर रिवर्स हैं जिनकी वजह से जो फ्लड जैसी सिचुएशन है वो हर साल बिहार में पैदा हो जाती है। अब बात कर लेते हैं फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में। देखो जो बिहार है, बिहार इज द इंडियाज मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट। अगर सिर्फ नॉर्थन बिहार की बात करें तो 76% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट होती है हर साल ड्यू टू फ्लड। बिहार के अंदर 16.5% ऐसा एरिया है, अगर हम बात करें टोटल इंडिया के एरिया से कंपेयर करें तो 16.5% इंडिया का एरिया जो कि बिहार के अंदर आता है वो है जो कि डायरेक्टली अफेक्ट होता है फ्लड की वजह से। और अगर हम पॉपुलेशन की साइज में बात करें तो 22.1% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि फ्लड की वजह से अफेक्ट होती है और बिहार के अंदर रहती है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 73% बिहार का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो हर साल डूबता है बाढ़ के पानी में। तो ये एक शॉकिंग न्यूज़ है कि देखो 100 में से अप्रोक्सीमेटली मोर देन 73% एरिया ऐसा है बिहार का जो कि अफेक्ट होता है फ्लड की वजह से। अगर हम पिछले कुछ सालों का डाटा कंपेयर करें तो 2013 में जो फ्लड आया था उसकी वजह से जो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स अफेक्ट हुए थे वो थे मोर देन 5.9 मिलियन। समझ सकते हो ना कि चलो इसको 6 मिलियन अगर हम कंसिडर करें तो 6 मिलियन से ज़्यादा लोग 2013 में अफेक्ट हुए थे फ्लड की वजह से, जिसके अंदर जो विलेज इन्वॉल्व थे वो थे 3,768 और जो कि कवर करते हैं 20 डिस्ट्रिक्ट्स को। अगर 2017 की बात करें तो 19 डिस्ट्रिक्ट्स इससे अफेक्ट हुए थे फ्लड की वजह से। ये भी नॉर्थ बिहार का डाटा है जिसके अंदर जो वल्नरेबिलिटी थी, मतलब जितने भी पीपल मरे थे वो 514 थे और अफेक्ट जो हुए थी पॉपुलेशन वो थी करोड़ में थी मोर देन 1.71 करोड़ पीपल इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट हुए थे 2017 में। अगर हम इस टेबल को एनालाइज करें जिसमें डाटा दे रखा है डेथ्स का, ये जो टेबल है ये एनुअल टेबल है जिसमें कि फ्रॉम ईयर 1979 टू 2017 तक का डाटा अवेलेबल है। देखो अगर 2017 की बात करें तो ह्यूमंस की जो कैजुअलिटी है वो 521 है और एनिमल्स की जो है वो 192 है, ठीक है। ये जो टेबल है ये डेथ की टेबल है, मतलब कितने ह्यूमंस की जो लाइफ है वो लॉस हुई 2017 में और कितने एनिमल्स की। तो ये टेबल आप देख सकते हैं कि कोई भी साल ऐसा नहीं है जिस साल फ्लड की वजह से ह्यूमंस की या एनिमल्स की जो लाइफ है वो लॉस हुई है। देखो जो मेजर कैजुअलिटी है वो 2004 में हुई, 2007 में हुई और 2002 में हुई। यहाँ पे 1995 हो गया, 1987 हो गया। तो ये कुछ वर्स्ट ईयर हैं जहाँ पर जो कैजुअलिटी है बिहार में फ्लड की वजह से वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं मेन रीज़न की कि किस रीज़न की वजह से बिहार में हर साल फ्लडिंग आती है। तो देखो ज्योग्राफिकली नेपाल जो है वो एक माउंटेनियस रीजन है, तो जब भी नेपाल के सेंट्रल या ईस्टर्न पार्ट में हैवी रेनफॉल होती है तो सारा पानी बहकर रिवर्स में आ जाता है जो कि वहाँ की मेन रिवर है, कोसी हो गई, बागमती हो गई, गंडक हो गई, नारायणी हो गई, ठीक है। जब ये रिवर इंडिया में एंटर करती हैं जो कि एक प्लेन रीजन है, और प्लेन रीजन में जो बिहेवियर होता है रिवर का वो बिल्कुल अलग होता है एज वी कंपेयर टू द माउंटेनियस रीजन। माउंटेनियस रीजन में रिवर वैली के अंदर फ्लो करती है, लेकिन अगर हम बात करें प्लेन रीजन की तो प्लेन रीजन में वैली तो होती नहीं, तो रिवर को एक मैनर में फ्लो करने के लिए एम्बैकमेंट की जरूरत होती है जो कि एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें बिहार स्टेट की तो बिहार में जितनी लेंथ का एम्बैकमेंट चाहिए था उतनी लेंथ का एम्बैकमेंट वहां पर नहीं है। अगर 2008 के डाटा की बात करें तो 2008 में जब कोसी फ्लड आया था तो वहां पर काफी सारी रिसर्च हुई थी, तो वहां से कुछ फैक्ट ये पता चले कि जो टोटल लेंथ है एम्बैकमेंट की बिहार के अंदर वो सिर्फ 300 किलोमीटर है जो कि काफी नहीं है फ्लड को रोकने के लिए या किसी भी रिवर को
सीधा बहने के लिए, ठीक है। और जो भी एम्बैकमेंट है वो भी ड्यू टू द सिल्टेशन क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। देखो एक टर्म है सिल्टेशन, क्यों फेल हो जाते हैं सिल्टेशन की वजह से ये देखते हैं। देखो सिल्टेशन जो है उसका क्या मतलब है, सिल्टेशन का मतलब ये है कि जो भी रिवर बेड होता है वहां पर सिल्ट जमा हो जाता है। सिल्ट जमा हो जाने का मतलब है, सिल्ट मतलब ये कोई भी मिट्टी या सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, वो जमा हो जाता है। तो वो क्या करता है, जो भी कैनाल है उसकी जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है उसको कम कर देता है। तो इससे क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है जो कि जाना चाहिए था कैनाल के थ्रू, ठीक है, लेकिन सिल्टेशन की वजह से क्या हुआ, आधा कैनाल तो मिट्टी से ही भर गया। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है वो बाढ़ का कारण बन जाता है, मतलब वो कैनाल से बाहर निकल जाता है और आसपास के लोकल एरियाज में चला जाता है। देखो ये जो इमेजेस हैं इनमें शो कर रखा है एम्बैकमेंट की, एम्बैकमेंट कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये भी एम्बैकमेंट की है। और ये जो है इमेज यहाँ पे, ये सैटेलाइट इमेज है जिसमें कि फर्क का बैराज दिख रहा है। और इस इमेज में आप देख सकते हो कि ये जो वाइटिस पोर्शन है ये पोर्शन है जहां पर सिल्टेशन इकट्ठा हो रखा है। इसकी वजह से जो कैपेसिटी है रिवर की बहने की, वाटर कैरिंग कैपेसिटी है रिवर की, वो कम हो जाती है, ठीक है। तो अब देखो, अब मेन बात यह है कि जो सिल्टेशन है उसका कारण क्या है, सिल्टेशन क्यों आ रहा है। तो सिल्टेशन का मेन कारण है डिफोरेस्टेशन। देखो जब भी वाटर फ्लो करता है किसी भी एरिया से जो कि उसका नेचर है, तो वो इरोजन करता है, मतलब जो भी मिट्टी होती है उसका कटाव करता है। लेकिन अगर उस जगह पर पहले से ही प्लांटेशन हो रखी है, मतलब ट्रीज अवेलेबल है या प्लांट्स अवेलेबल है, तो इरोजन जो है वो ना के बराबर होता है, क्योंकि जो ट्री होती है ना उनकी जो रूट्स होती है वो सॉइल को होल्ड करके रखती है, जिसकी वजह से क्या होता है जो मिट्टी होती है वो उखड़ नहीं पाती ड्यू टू रनिंग वाटर, ठीक है। तो समझ गए ना कि सिल्टेशन किसकी वजह से होता है, सिल्टेशन होता है हमारा डिफोरेस्टेशन की वजह से, क्योंकि सिल्टेशन डिफोरेस्टेशन अगर जो आपने कर रखा है तो वहां से सॉइल इरोजन होगा, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो बहकर रिवर्स में चला जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं बिहार से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन बिहार, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आंसर है गंगा रिवर, जिसकी जो लेंथ है किलोमीटर में वो है 445। और सेकंड लार्जेस्ट जो रिवर है बिहार के अंदर वो है बागमती रिवर, इसकी जो लेंथ है वो है 394 किलोमीटर। सेकंड क्वेश्चन है कि उस नदी का नाम बताओ जिसको बिहार के अंदर सोरोफ बिहार बोलते हैं। सोरोफ बिहार का मतलब है कि जिसकी वजह से बाढ़ बहुत ज्यादा आती है। तो ये कौन सी रिवर है, ये है कोसी रिवर, ये मैं प्रीवियस स्लाइड में बता चुका हूँ। जो कोसी रिवर है उसको बिहार के अंदर बोलते हैं सोरोफ बिहार, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि विच रिवर डिवाइड बिहार इंटू टू पार्ट, वो कौन सी नदी है जो कि बिहार को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, जो कि अनइक्वल पार्ट होते हैं। तो उस रिवर का नाम है गंगा रिवर, जो कि बिहार के बिल्कुल सेंटर से होके गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द अदर नेम ऑफ घाघरा रिवर, घाघरा रिवर का दूसरा नाम क्या है जो कि बिहार में बोला जाता है। तो आंसर है सरयू रिवर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द रिवर ऑफ बिहार विच इज सेक्रेट फॉर बोथ हिंदू एंड बुद्धिस्ट, मतलब उस रिवर का नाम बताओ बिहार के अंदर जो कि हिंदू धर्म के लिए भी और बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए भी, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो उस रिवर को जो बोलते हैं वो फाल्गु बोलते हैं बिहार के अंदर। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। ये जो लास्ट स्लाइड है इसमें आप देख सकते हो कि कैसे NDRF की जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है बिहार के अंदर। देखो हर कोई अपनी तरीके से कुछ भी डोनेशन दे रहा है बिहार में जो भी फ्लड अफेक्टेड पीपल हैं। तो हमने यहाँ पे सोचा है कि हम कुछ सॉल्यूशंस इकट्ठा करते हैं बिहार फ्लड को कम करने के लिए, ताकि फ्यूचर में ऐसे सिचुएशन ना बने। तो हमने एक हैशटैग चलाया है जो कि है हैशटैग सॉल्यूशन फॉर द बिहार फ्लड। तो अगर आपको भी कोई सॉल्यूशन लगता है कि ये हो सकता है तो आप कमेंट में हैशटैग सॉल्यूशन फॉर बिहार फ्लड करके आप कमेंट कर सकते हो। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर विद योर जीनियस फ्रेंड्स सो दैट वी कैन कलेक्ट मोर एंड मोर सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। थैंक यू।